हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मिस शैरन रोशन, योर टीचर फ्रॉम ट्रिनिटी इंटरनेशनल स्कूल। टुडे विल बी लर्निंग चैप्टर 11, भोला ग्रैंडपा। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न चैप्टर 11, भोला ग्रैंडपा। भोला यानी कि आप समझते हैं व्हाट इज़ भोला। भोला यानी कि हिंदी में भोला उसको बोला जाता है जो एकदम बोलते हैं ना एकदम मासूम होते हैं, उन्हें ग्रैंडपा। ग्रैंडपा यानी कि सबको मालूम है, इट्स अ फादर्स फादर हुम वी कॉल ग्रैंडपा। सो व्हाट मेक्स सम पीपल इन आर लाइफ स्पेशली मेमोरेबल। कुछ लोग हमारे लाइफ में बहुत मेमोरीज छोड़ देते हैं और इतने मेमोरीज होते हैं कि हम उनके मेमोरी के साथ बड़े हो जाते हैं, राइट। समटाइम इट इज़ सिंपली देयर एसेंट्रिक यानी स्ट्रेंज और अनयूजुअल इन अ पर्सन। मतलब ऐसे कुछ अलग चीज़ें होती हैं उनके अंदर, या फिर कुछ ऐसी हरकतें, चीज़ें, एक्शंस होते हैं जो उनको याद रखने में, हमें उन्हें याद रखने में बहुत काम आता है। मतलब ऐसे अलग हरकतें होंगी तो ऑब्वियसली आप किसी को भूलोगे क्या? नहीं। जैसे वे ऑफ सेइंग एंड डूइंग थिंग्स, मतलब बात करने का तरीका, काम करने का तरीका। Rather than any great achievements which were remembered with fondness, किसी और great achievements से बदले ऐसे कुछ चीज़ें उन्होंने किया जो एकदम बहुत अच्छी तरीके से याद हो। The narrator in this story recounts some incidents from the life of Bhola Grandpa. Narrator मतलब जो ये story writer जो है मनोज दास जी, मिस्टर मनोज दास, He is recounting, मतलब वो recollect कर रहे सारे incidents भोला ग्रैंडपा के। One such person from his childhood, वो जब छोटे थे उनके childhood से वो एक किसी भोला ग्रैंडपा के बारे में बात कर रहे हैं। Do you happen to know a quaint यानी कि old fashioned and unusual in a interesting way, endearing grandpa or grandma too? Ask them about all the little advances they have had and share with your class. Now, here you cannot share it with your class, but you can go and ask your grandpa and grandmother about their adventures. मतलब उन्होंने क्या क्या चीज़ें की, क्या क्या अच्छी बातें की, उनका experience कैसे रहा, जैसे वो छोटे थे छोटे से बड़े होने तक कैसे उनका experience रहा, उन सारी बातों के बारे में उन सारी बातों के बारे में आप उनसे जाके पूछ सकते हो कि उनका बचपन कैसे रहा, वो बड़े होते होते उनके सारे कैसे एक्सपीरियंस रहे। यू कैन गो एंड गेट टू नो फ्रॉम देम। सो भोला ग्रैंडपा एंड हिज वाइफ लिव्ड इन एट द वेस्टर्न एंड ऑफ आर विलेज। भोला ग्रैंडपा और उसकी वाइफ जो है वेस्टर्न एंड विलेज के वेस्टर्न एंड पे रहते थे। Their hut was overshadowed by a large bokul. Bokul यानी कि क्या? A medium-sized evergreen tree with fragrant cream-colored flowers and edible fruits. उनका एक हट था, हट के ऊपर ये बोकुल का एक medium-sized का evergreen plant था जिससे बहुत अच्छी सुगंध आती थी। वहाँ पे flowers से अच्छे सुगंध आते थे। So With the advent of spring grew luxuriant and continuously showered its tiny red fruit on their courtyard. Advent यानी कि क्या? Arrival of spring. Spring जब आता है उसका arrival था। Grew luxuriant यानी कि thick with vegetation and continuously showered its tiny red fruit on their courtyard. कंटिन्यूसली उनके वहाँ पे क्या आते थे, फ्लावरिंग होते थे, फ्रूट्स आते थे, वेजिटेबल्स आते थे। द ट्री हैड बिकम द परमानेंट अबोड यानी कि ड्वेलिंग। ट्री जो था वो परमानेंट अबोड बन चुका था। सो ऑफ अ स्मॉल ट्रूप ऑफ मंकीज भोला ग्रैंडपा एंड हिज वाइफ डिड नॉट माइंड दैट। लेकिन एक छोटा सा ग्रुप ऑफ मंकीज ना वहाँ पे आया करते थे, लेकिन भोला ग्रैंडपा और ग्रैंडमा जो थे
वो लोग को उसकी पड़ी नहीं थी, दे नेवर यूज टू केयर अबाउट डैट, उनको फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि मंकीज है, अभी जानवर है, वो लोग आएंगे ही, दे मस्ट बी थिंकिंग लाइक दैट. आई विविडली एंड क्लियरली आई क्लियरली रिमेंबर द मून लिट नाइट when we were returning from the festival in honor of Lord Shiva. क्या बोल रहा है कि यहाँ पे जो स्टोरी राइटर जो है वो क्या बोल रहे हैं कि उनको याद है कि वो लोग एक फेस्टिवल में गए थे और आते समय एक मून लाइट गिरा, तभी का फेस्टिवल से जब आ रहे थे, मून लाइट जब था तो लॉर्ड शिवा के फेस्टिवल में से वो लोग रिटर्न आ रहे थे. तो स्टिल कंसिडर्ड अ चाइल्ड, क्या आपने आपको कंसिडर किया, स्टिल कंसिडर अ चाइल्ड. आई हैड चांसेस गैलोर यानी कि अ प्लान्टी टू ट्रेवल परचेक ऑन द शोल्डर्स ऑफ एबल बॉडीज विलेजर्स. द रोड वॉज लॉन्ग एंड फार अबाउ द फॉग द मून लुक लाइक सफरिंग फ्रॉम अ बैड कोल्ड. उसके बाद क्या होता है, इतना फॉग आ जाता है ठंडी के वजह से ना, पूरा फॉग आता है. आपने कभी देखा है क्लाउडी क्लाउडी जैसा हो जाता है, वाइट वाइट हो जाता है, आप देख नहीं पाते हो क्लियरली कुछ चीज़ें, इसके वजह से. वो क्या बोल रहा है, द स्टोरी राइटर इज टेलिंग हियर इज कि ऐसा लग रहा था कि मून को इतना ज़्यादा सर्दी हो, ठंडी लगने लग गई है कि अभी उसका लाइट प्रॉपर हमको नहीं दिख रहा है. आई नोटेड ऑफ ऑन द विलेज चौकीदार शोल्डर्स. चौकीदार यानी कि वॉचमैन, वॉचमैन के शोल्डर पे वो था, बैठा हुआ था, छोटा था इसीलिए. फादर वॉज लुक्ड अपॉन विद ऑ एंड रिवरनेंस. रिवरनेंस यानी कि ग्रेट रिस्पेक्ट. द विलेजर्स कंसिडर्ड इट अ प्रिविलेज टू वॉक इन हिज कंपनी. उसके फादर को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया जाता था स्टोरी राइटर के. ओके, सो व्हाट ही इज़ टेलिंग कि उनको इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट देते थे कि लोगों को उनकी कंपनी में चलना, उनके साथ चलना बहुत पसंद था, अच्छा लगता था. भोला ग्रैंडपा सीनियर टू हिम बाय अ फ्यू इयर्स. लेकिन क्या आपको लगता है, भोला वॉज समथिंग कॉल्ड इन इंग्लिश और इट इज़ सॉरी समथिंग कॉल्ड इन हिंदी और इट इज़ अ नेम ऑफ इट. मुझे तो लगता है उनका नाम ही है, इट इज़ नॉट अ भोला यानी कि हिंदी में भोला है कि भोला, इट इज़ उनका इसने भोला ग्रैंडपा सीनियर टू हिम बाय अ फ्यू इयर्स. डैडी से भोला ग्रैंडपा बड़े थे, सीनियर थे कुछ साल में. वॉज ऑलवेज मोर प्रॉम्प्ट देन द अदर्स इन एक्सप्रेसिंग हिज एग्रीमेंट विथ वॉट एवर फादर अटर्ड. उनका एक अलग ही तरीके का एक्सप्रेस करने का उनका आदत था, अलग ही कुछ भी चीज़ों को एग्री करने का एक अलग ही तरीका था जो भी उसके डैडी बोलते थे. बट सडनली भोला ग्रैंडपा गेव आउट अ लाउड वेल. एक दिन क्या होता है, सडनली वो भोला ग्रैंडपा जो है एक अलग सा आवाज़ निकल गए. टेकन अ बैक अ पार्टी केम टू अ हाल्ट. ख़त्म ही होने वाली थी उनकी पार्टी. एंशियस इंक्वायरी रिवील्ड बाय एंड बाय यानी कि ग्रेजुअली ऊपर ही ऊपर बार बार इंक्वायरी निकलती गई दैट भोला ग्रैंडपा हैड लेड हिज डॉटर्स सन हु वॉज माई एज टू द फेस्टिवल. भोला ग्रैंडपा ने अपने बेटी को लेकर आया था जो ये पोएट जो है, मतलब जो स्टोरी राइटर जो है उनकी एज की थी तभी वो, टू द फेस्टिवल. ही पायलोटेड यानी कि गाइडेड, ही गाइडेड द ग्रैंड सन थ्रू द जॉस्टलिंग यानी कि पुशिंग एंड शोइंग थ्रॉन्ग्स यानी कि क्राउड विद टू ऑफ द बॉयज फिंगर्स हेल्ड टाइटली इन हिज ग्रिप. उसने अपने दोनों बेटों के हाथ पकड़े हुए थे टाइटली, फिंगर ग्रिप में पकड़े. ही डिड नॉट रियलाइज व्हेन दोज फिंगर्स स्लिप्ड आउट. उनको मालूम ही नहीं पड़ा कि उनके हाथ में से उनके फिंगर्स कभी स्लिप हो गए. हिज ग्रिप हावेवर कंटिन्यूड इंटैक्ट. उसका ग्रिप बाद में कंटिन्यू होते रहा.
इट वॉज वेन समवन क्वेरल्ड यानी कि आस्क्ड इंक्वायरी अबाउट द कंटेंट ऑफ हिज ग्रिप दैट ही रिमेंबर्ड द ग्रैंडसन एंड गेव आउट द वेट. उसको अपने ग्रैंडसन को याद रखा और वो उसने वो एक आवाज जैसे निकाली. सो यू कैन सी हियर देयर इज अ पिक्चर ऑफ अ ग्रैंडपा एंड द मार्केट ओवर हियर राइट. सो फादर चोज टू नी आइट एस्कॉर्ट्स फ्रॉम अ पार्टी एंड डायरेक्टेड देम टू गो बैक विद भोला ग्रैंडपा टू द फेस्टिवल साइट. व्हाट हैपेंड द फादर चूज टू किंग एड सो ऑब्जर्वेंट एंड एबल टू स्पॉट थिंग्स क्विकली. वॉट वॉज इट ऑल अबाउट? इट वॉज ऑब्जर्वेंट एंड एबल टू स्पॉट थिंग्स क्विकली. सो वॉट हैपन तो जैसे फादर ने दो लोगों को ऐसा ऑब्जर्व किया सो उन्होंने एस्कॉर्ट किया फ्रॉम अ पार्टी एंड डायरेक्टेड देम टू गो बैक विद द भोला ग्रैंडपा टू द फेस्टिवल साइट. The grandson who had found a congenial yani ki pleasant and suitable. shelter under a cow's belly and kept blinking at the unfamiliar people passing by was rescued before long. Shelter under cow's belly. Cow ke पेट के नीचे जो shelter है इट वॉज केप्ट ब्लिंकिंग द अनफेमिलियर पीपल. मतलब उस ऐसे अलग अलग लोग जा रहे थे मतलब जिसको नहीं जानते थे. पीपल वर पासिंग बाय वॉज रेस्क्यू बिफोर लॉन्ग. आई रिमेन अलर्ट फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी एंड हर्ड फादर रिकाउंट द फॉलोइंग एंड सिक डोट. राइटर जो है वो बोलता है कि मैं वहाँ पर शांत हो गया. मैं वहाँ पे पूरे जर्नी में शांत हो गया और मैं सोच रहा था मेरे डैडी क्या बोल रहे हैं. सो भोला ग्रैंडपा हुज फादर एंड ग्रैंडफादर टू हैड बीन इन आर एम्प्लॉयमेंट. भोला ग्रैंडपा और उनके फादर जो थे वो इनके क्या थे एम्प्लॉयमेंट थे. स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन हर हाउस. उनका मोस्ट ऑफ द टाइम वो लोग जो राइटर है उसके डैडी के घर पर ही बिताते थे. One afternoon, decades ago, he was found sprawling in a corner of our veranda. एक दिन क्या देखा कि भोला ग्रैंडपा और ये लोग सारे लोग इनके वरेंडा में आके बैठ के बातें कर रहे थे. ओके सो विथ हिज टंग स्ट्रेच्ड आउट उनका पूरा जबान बाहर निकाल के बात करते हैं ऐसा बोल रहे. A shiver ran through those who found him in the bizarre. Bizarre यानी कि fearful, strange state. They took him for dead. वो लोग ने देखा कि ये जो गिरा हुआ पड़ा हुआ दिख रहा है तो उनको लगा कि वो अभी मर चुका है. What, however, had happened was this and our earlier someone had broached यानी कि raised the subject for discussion to him a proposal of his wedding. Modesty had made him stretch out his tongue. उसके modesty ने उसको क्या allow किया था उसका tongue खींचने के लिए. He had just forgotten to withdraw it while falling asleep. I remember Bola grandpa blushing and hanging his head while father narrated to an amused audience on a terrace the next day yet another episode of the younger days. क्या बोल रहे कि मुझे आज भी याद है कि भोला ग्रैंडपा बहुत हंस रहे थे ब्लशिंग कर रहे थे एंड हैंगिंग हिज हेड बहुत ऐसा मतलब खुश रहते थे ऐसे ऐसा सिर हिलाते ना. So while father narrated to amuse audience on our terrace. सारे audience को कहाँ बुलाया था terrace पे दूसरे दिन बुलाया था. तो फिर बोल रहे कि अब दूसरा episode बाकी था younger days का. They had been a wet afternoon. वहाँ पे afternoon था. भोला grandpa looking wild with excitement. Excitement से भोला grandpa दिख रहे थे. Confided to the father and his friends that he had stumbled upon a gang of pirates burying a large box under one of
उन्होंने क्या देखा कि वहाँ पे उसके फ्रेंड्स के साथ जाके देखा, स्पाई किया वहाँ पे, छुपके से जाके देखा कि एक गैंग, पायरेट्स का गैंग, वो वहाँ पे एक बड़ा सा डब्बा क्या कर रहे थे, बरी कर रहे थे, बरी यानी कि दफना रहे थे। सो द सैंड ड्यून्स ऑन द लोनली सीशोर बाय आवर विलेज। सैंड क्या होता है, बहुत लोनली हो जाता है हमारे सीशोर जो अपने गांव के साथ। He had also watched the gang disappear into the sea. He had also watched that तो gang जो था वहाँ से पूरा गायब हो चुका था sea के यहाँ से। Their sleek dinghy, sleek यानी कि having an elegant smooth shape, dinghy यानी कि small inflatable rubber boat, वहाँ पे रबर बोट था, शूटिंग लाइक एन एरो इनटू द मिस्ट, एरो के जैसा लग रहा था शूट कर रहे थे। सो द फादर एंड अ पार्टी एट वंस बिगेन एक्सप्लोरिंग द पॉसिबल स्पॉट्स फॉर द हिडन ट्रेजर। फादर उसके उसके पापा और बाकी सारे लोग देख रहे थे, वो लोग एक प्रॉपर स्पॉट ढूंढ रहे थे कि उन लोगों ने क्या दफनाया, मतलब क्या ट्रेजर, मतलब वो लोग सोच रहे थे उसको एक अच्छा वैल्यूबल चीज़ दफनाया होगा। इवनिंग गेम वे टू नाइट, इवनिंग गेम वे टू नाइट, इवनिंग से करते करते पूरा रात हो गया था। देर वॉज नो लाइट सेव फॉर द मून बीम्स, वहाँ पे लाइट भी कुछ सेव नहीं था मून बीम से। फिल्टरिंग थ्रू द क्लाउड्स एंड नो साउंड एक्सेप्ट द विंग्स मोर्निंग एंड द हुटिंग of an owl from the hollow of a clam palm tree। क्या बोल रहे हो, वहाँ पे लाइट भी एकदम डिम हो चुका था, क्लाउडी पूरा हो गया था, फॉग हो गया था, इसकी वजह से द लाइट वॉज नॉट सो डार्क, मतलब ज़्यादा लाइट नहीं होने की वजह से वहाँ पे डार्क दिख रहा था, पूरा अंधेरा था, सिर्फ हवे की आवाज़ आ रही थी, मॉर्निंग हो रहा था, आउल्स का आवाज़ आ रहा था पाम ट्री के यहाँ से। स्ट्रक डेड बाय लाइटनिंग, अ पैक ऑफ जैकल्स हॉलो, जैकल्स भी वहाँ पे आ गए, पहुँच गए। जैकल्स क्या होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो लोग भी वहाँ पे पहुँच गए। दे ऑल्सो लुक लाइक अ दिस फॉक्स, लिटिल बिट दे लुक लाइक अ फॉक्स, इंडिकेटिंग दैट इट वॉज अ पास्ट मिड नाइट, इंडिकेटिंग दैट इट वॉज अ पास्ट मिड नाइट। सडनली भोला ग्रैंडपा वॉज सीन कोलैप्सिंग ऑन द सैंड, सडनली लोगों ने देखा कि भोला ग्रैंडपा जो है सैंड के वहाँ पे ऐसे गिरना चालू, उन्होंने चालू कर दिया, मतलब थोड़ा सा गिरने के जैसे हो गए। हिज फ्रेंड्स रश टू हिम, तुरंत ही उसके सारे फ्रेंड्स उसके पास भागते हुए गए। भोला ग्रैंडपा नेवर स्पोक अ लाई, उसके भोला ग्रैंडपा जो है वो कभी झूठ बोलते ही नहीं थे। ही सून कंपोज एंड की काम वंस इमोशन एंड एक्सप्रेशन, उन्होंने एक का इमोशन, मतलब उन्होंने इमोशन को कामली लिया, हिमसेल्फ एंड कन्फेस दैट इट वॉज ऑल अ ड्रीम विच ही हैड हैड ड्यूरिंग हिज मिड डे नैप, ही हैड समहाउ मिस्टेकन द ड्रीम टू बी अ फैक्ट। ये जो लोग खोद रहे थे ना, जो ट्रेजर वो लोग खोद रहे थे ना एवरीथिंग, तो क्या वो लोग खोद रहे इवनिंग से खोद रहे, पूरा शाम हो गया, रात हो गया, तो उसको फिर बाद में याद आता है कि मैंने दोपहर को जब से सोया था तभी मेरे को ये सपने में ये सारी बातें दिखी थी कि पायरेट्स आए, पायरेट्स ने मुझसे दफनाया और फिर वो चले गए एंड ऑल। तो फिर वो कैसे सोचने लगा, उसको ऐसा लगा कि ये मैं फैक्ट सोच के इन बातों को तुमसे शेयर किया, तुम लोग को भी बताया, क्योंकि देखा उन लोग वो पोएट के घर के बाहर बातें कर रहे थे बैठ के, मैंने बोला आपको, तो वही वो लोग बातें सब कर रहे थे और फिर इधर आ गए। तो अभी उसने वो क्या झूठ नहीं बोलता था, जैसे उसको याद आ गया उसने तुरंत ही बता दिया अपने फ्रेंड्स को कि ये सारी चीज़ें तो मैं अपने सपने में मैंने देखा था जब मैं दोपहर को छोटा सा नैप ले रहा था। ही हैड समहाउ मिस्टेकन द ड्रीम टू बी फैक्ट, द लोके यानी कि लोकेशन साइट ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इन द इंसिडेंट इन भोला ग्रैंडपास लाइफ हैड बीन द सुंदरबंस वर द ग्रेट रिवर गंगा flowing all the way from the Himalayas, divided into 100 surging, surging and rising and falling streams and dashed into the sea,
हिस्सा ये ग्रेट इंसिडेंट उसके ब्रीम में द रीजन वॉज मार्क बाई दी क्लस्टर्स क्लस्टर्स यानी कि ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स अपियरिंग क्लोजली टूगेदर ऑफ थिक जंगल ऑफ गंगा माई फोर फादर्स थ्रू बिलोंगिंग टू ओरिसा वर अमोंग द फ्यू लैंडलॉर्ड हु ओन चंक्स यानी कि लार्ज पीस ऑफ स्टेट्स इन द डेंजरस रीजन ऑफ बंगाल So later what happens, Bhola grandpa was periodically sent there to manage the property. वहाँ पर उनको क्या भेजा क्यों भेजा था प्रॉपर्टी सब मैनेज करने के लिए भेजा गया था इन द सुंदरबंस ऑफ दोज डेज नोबडी वुड वॉक अलोन इन द डे टाइम दिन के टाइम में सुंदरबन में ये जंगल में कोई भी अकेला चलते नहीं थे टाइगर्स अपार्ट एलिगेटर्स फ्रीक्वेंटली स्नीक यानी कि वेंट इन विदाउट बीइंग सीन एलिगेटर्स भी होते थे टाइगर्स भी होते थे एलिगेटर्स तो दिखाई भी नहीं देते थे बिना दिखाए वो लोग आ जाते थे बाहर सडनली इन द फॉर्म ऑफ स्वैम्प यानी कि अ वेट और वाटर कवर्ड एरिया ओवर ग्रोथ विथ प्लांट्स एंड ट्री एक्सेट्रा इतना गहना जंगल था वो पीपल टू केयर टू मूव अबाउट ओनली इन ग्रुप्स लोग जो थे हमेशा ग्रुप्स में जाया करते थे पर्टिकुलरली आफ्टर सन डाउन जैसे ही सूरज नीचे आ जाता था डूब जाता था ऑफ्टन दे वर लेड बाय एन नेर सेरोमेंसर यानी कि somehow who can communicate with the dead through magic who from time to time gave out a piercing yell that cloud not to be imitated by the uninitiated and people who are without special knowledge or experience The eerie यानी कि स्ट्रेंज ऑफ लाइटनिंग साउंड वॉज बिलीव टू ड्राइव अवे और इमोबिलाइज ऑल बींग्स नेचुरल और सुपर नेचुरल होस्टिल टू मैन यहाँ पे ऐसे साउंड्स निकल जाते हैं मतलब वो जो था वो क्या करता था उस लोग ऐसे लोगों से डेड लोग से बात करने कम्युनिकेट करने का एक आदमी था जो ऐसे बातें करता था अपने जादू से तो एक आदमी था जो स्पेशल नॉलेज और एक्सपीरियंस के साथ हर एक बातें चीज़ें उनको बताया करता था वो अनाउंस करता था हर एक बातें तो ऐसे ही क्या हुआ बोला ग्रैंडपा वाज रिटर्निंग फ्रॉम द वीकली मार्केट इन द कंपनी ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल एक दिन क्या होता है बोला ग्रैंडपा जो था वीकली जो हफ्ते में मार्केट लगता है उसमें गया था तो आते समय उनके लोगों ग्रुप लोग कुछ ग्रुप ऑफ पीपल के साथ लोगों के साथ वो आ रहे थे बिलोंगिंग टू नेबरहुड ऑफ आवर कैंप उनके दूसरे नेबरहुड के कैंप के लोग थे वो लोग ही डिड नॉट रिमेम्बर व्हेन ही हैड फॉलन बिहाइंड द पार्टी उनको याद ही नहीं कि वो उनके पीछे पार्टी के पीछे कब गिर गए ही वोक अप टू द फैक्ट दैट ही वॉज अलोन व्हेन जब वो बेहोश हो गए गिर के बेहोश हो गए उनको मालूम ही नहीं कब गिरे जब वो उठे तब वो अकेले थे वेन एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 5 yards इन फ्रंट ऑफ हिम 5 yards उनके आगे डिस्टेंस था अ फुल ग्राउंड रॉयल बंगाल टाइगर गेव अ जॉली ग्राउंड तो वहाँ का पूरा रॉयल बंगाल टाइगर सारे ऐसा जॉली एकदम करके आवाज़ वो निकालते ना ऐसा आवाज़ निकालने लगे फिक्सिंग हिज ब्राइट गेज स्ट्रेट ऑन हिज फेस पूरा उसका जो फेस था उसके फेस के ऊपर ही था भोला ग्रैंडपा अ स्विफ्ट क्लाइंबर इंस्टेंटली क्लाइंबर्ड यानी कि क्लाइंब विद अ ग्रेट स्पीड क्लाइंबर ट्री के ऊपर चढ़ गए इतना जोर से फास्ट अप बनियान ट्री एट हैंड द टाइगर रोड एंड सर्कल द ट्री इन्यूमरेबल टाइम्स वो साइड आप देख सकते हो पिक्चर में भोला ग्रैंडपा बहुत फटाफट एक पेड़ पे चढ़ गए टाइगर यहाँ से आवाज़ दे रहा है रोर कर रहा है उसने काफ़ी बार ट्री को सर्कल लगाया यहाँ से वहाँ से सारे एंगल्स ट्राई किए देखे सो
Then it settled down under a bush and continued in that position without taking its eyes off the sleeping prey even for a moment. फिर उसने क्या किया, जाके जंगल में जाके छुप गया टाइगर ने. और फिर ये टाइगर्स जो होते हैं ना, ये लोग हंटिंग करने के लिए, ये लोग कैट्स और टाइगर्स ये सारे एक ही फैमिली से होते हैं, राइट. तो ये लोग अगर इन लोग को हंट करना है ना, तो ये लोग काफ़ी देर तक बैठ सकते हैं, वो भी आँख बिना झपटाए, मतलब बिना अपने आँखों को ब्लिंक किए हुए. वो लोग कई देर आपको देखते ही रहेंगे जब तक उनको मिल नहीं जाता. तो वो काफ़ी देर वहाँ पे बुशेस में जाके छुप के बैठा था. सो व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट इज, विद नाइट फॉल द फॉरेस्ट ग्रू डार्क एंड साइलेंट. जैसे जैसे रात होते गई वैसे वैसे फॉरेस्ट और भी डार्क होते गया और भी साइलेंट होते गया. भोला ग्रैंडपा कुड हियर द बोल्ड टाइगर, लेकिन फिर भी भोला ग्रैंडपा टाइगर की आवाज़ सुन सकता था. बीटिंग इट्स टेल ऑन द ड्राई लीव्स, वो अपने अपने टेल अपनी पूंछ को जो ड्राई लीव्स के ऊपर ऐसे ऐसे हिला रहा था ना, तो आवाज़ आ रहा था. एंड स्क्रैचिंग द ग्राउंड फॉर टाइम टू टाइम, ग्राउंड को भी वो स्क्रैच कर रहा था टाइम टाइम के साथ. ही कुड सी इट्स ब्लूइश येलो आईज रोलिंग ऑल ओवर द ट्री आवर्स पास्ट. भोला ग्रैंडपा उसकी आंखें देख सकते थे, येलोइश ब्लूइश येलोइश उसकी आंखें थी. ही कुड सी दैट, उसका जो आंखें था पूरा झाड़ के ऊपर कई बार देख ही रहा था कंटिन्यूसली. बहुत घंटे बीत गए. डॉन ब्रोक आउट विथ अ कूइंग ऑफ अ कपल ऑफ ड्रोव्स. भोला ग्रैंडपा केम डाउन, वो जिस पे चढ़ा था वो ग्राउंड काफ़ी देर तक उसने भोला ग्रैंडपा का वजन सहन किया और फिर बाद में टूट गया और ऐसे में ग्रैंडपा नीचे आ गया. देयर वॉज अ हैमलेट, हैमलेट यानी कि अ स्मॉल विलेज ऑफ सेंटर्स ऑन अ माउंटेन देन अ फरलोंग. फरलोंग यानी कि यूनिट ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस इक्वल टू 201 meters. वहाँ पर एक छोटा सा विलेज था ये लोग का. भोला ग्रैंडपा क्लाइम द माउंट and requested the first man he saw for a little fire to light his bedi. जैसे ही उसने वो भागा वहाँ से और उसने जिसको पहले आदमी को वहाँ से देखा और उसको रिक्वेस्ट किया कि क्या तुम मुझे थोड़े मेरे बेडी, उनके पास पहले मशाले होते थे, मशाले को आग लगा सकते होते. The man had been a witness to all that passed between the tiger and Bhola Grandpa. In fact, he had spent a whole night sitting at the threshold of his hut, waiting to see what would happen next. In fact, वो जो आदमी था ये पूरा उसने देखा था, सारी चीज़ें देखी थी, वो इस चीज़ का गवाह था क्योंकि उसने देखा था कि टाइगर और भोला ग्रैंडपा के बीच में क्या चल रहा था. तो इनफैक्ट वो टाइगर है ना पूरी रात वहाँ पर बैठा था हट के वहाँ पर, कि इसके बाद अभी क्या होने वाले देखना था उसको. ही आइड भोला ग्रैंडपा विद परफेक्ट बिविलडरमेंट यानी कि बिविलडरमेंट यानी कि कन्फ्यूजन. वॉट इज आर सीक्रेट सर, दैट यू वॉक पास दैट हंग्री बीस्ट एंड इट जस्ट गैप्ड. गैप्ड यानी कि स्टेड विद द माउथ वाइड ओपन इन अमेजमेंट और सरप्राइज. बोलते कि क्या वो चीज़ है जो तुम इतने आराम से आ गए और एक हंग्री बीस्ट मतलब वो इतना भूखा बैठा था वो देखते रह गया इतने अमेजिंगली सरप्राइज लिया आपको. एट एंड यू डिड नॉट नथिंग मोर, ही मंबल्ड आउट हिज क्वेश्चन एट लास्ट. उसने अपने क्वेश्चन को लास्ट में पूछा. भोला ग्रैंडपा रिमेंबर दैट द टाइगर एंड लुक आस्केंस आस्केंस एंड की डाउटफुली टूवर्ड्स द बुश. द टाइगर वॉज सीन स्ट्रेचिंग हिज लिम्स एंड यॉनिंग एंड प्रिपेयरिंग टू लीव द प्लेस एज थ्रू इट्स बी वाइल्डरमेंट. भोला ग्रैंडपा ने देखा कि टाइगर अभी थक चुका था, अपने आर्म्स को स्ट्रेच कर रहा था, यॉन कर रहा था. वॉज गिविंग अवे टू सेंस ऑफ डिस्कस्ट अगेंस्ट इट सेल्फ. भोला ग्रैंडपा इज सेट टू हैव अ पास्ट आउट फॉर अ मोमेंट. भोला ग्रैंडपा ने उतना ही मोमेंट में वहाँ से पास हो गए थे. हाफ अ सेंचुरी लेटर
One winter morning, Bhola Grandpa was found to have died peacefully in his sleep. विंटर में एक हाफ सेंचुरी उनका कंप्लीट हुआ और विंटर में देखा कि भोला ग्रैंडपा नींद में ही चल बस गए, नींद में उनकी मौत हो चुकी थी। ग्रैंडपा वॉज फाउंड डेड, वो डेड फाउंड हुए थे। सो ही वॉज 95 इवन देन वी शेड टीयर्स एंड लैमेंटेड हिज डेथ वॉल्यूमली। वो 95 थे फिर भी उनको इतना ज़्यादा उनके लिए रोना आ रहा था एंड ऑल। तो लैमेंटेड यानी कि क्या, एक्सप्रेस ग्रीट सैडनेस और डिसअपॉइंटमेंट। वॉल्यूबली वेरी स्ट्रॉन्ग यूजिंग मैनी वर्ड्स, बहुत सारे वर्ड्स यूज करते करते रोते हैं ना कुछ लोग कि जो ऐसा था वैसा था क्यों छोड़ के गया ना, सब बोलते हैं ऐसे बहुत वर्ड्स बोल के लोग रोने लगे। But the most original of the lamentations came from the 80-year-old granny. बहुत सारे words जो थे ना वो एक 80-year-old granny से आए। That was भोला grandpa's wife. कौन थी वो? भोला grandpa की wife थी। The old man must have forgotten to breathe, she murmured with a sigh. बोलते कि ये बुढ़ा जो है ना ये सांस लेना भूल गया होगा, इसीलिए ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा बात कर रहे थे। ठीक है सी, मनोज दास बॉर्न 1934 इज एन इमिटेंट ऑथर हु राइट्स इन बोथ इंग्लिश एंड ओडिया। ही इज नोन फॉर हिज इफेक्टिव यूज ऑफ वर्ड्स टू रिवील द हिडन एस्पेक्ट्स ऑफ द कैरेक्टर्स थॉट्स एंड फीलिंग्स। ये ओल्ड मैन का मनोज दास जो राइटर है उनका फोटो यहाँ पे आपके बुक में दिया है। ही वॉज बॉर्न इन 1934, सो ही वॉज वेरी नोन राइट ऑथर हु यूज टू राइट बुक्स इन इंग्लिश एंड ओडिशा। इज नोन फॉर वेरी इफेक्टिव यूज ऑफ वर्ड्स, उसके जो वर्ड्स वो यूज़ करता है अपने हिडन एस्पेक्ट्स को समझाने के लिए, कैरेक्टर्स को समझाने के लिए, फीलिंग्स को समझाने के लिए, ही इज़ वेरी नोन फॉर दैट। The stories are usually built around everyday circumstances which are made memorable by the complex. उसके जो stories उन्होंने जो लिखे हैं it is made very मतलब everyday जो lifestyle, everyday का जो lifestyle वो उसी को लेकर वो stories लिखते हैं which is always memorable, बहुत यादगार stories हो जाते हैं, often quaint reactions of the characters.